तो हमारा आर्गुमेंट ये है कि जो रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह बायस्ड है, वो सीधा एबीवीपी और बीजेपी के लोगों का कॉपी पेस्ट किया गया है। वी हैव गिवन अ रिप्रेजेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एंड ही प्रॉमिस्ड अस फॉर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन टू डिलीवर जस्टिस रोहित वेमुलाशु। कांग्रेस की सरकार है, गलती से ये रिपोर्ट फाइल हो गई है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं गई होगी, नहीं तो ये रिपोर्ट फाइल नहीं करने देते। अब हो सकता है कल रिव्यू के बहाने मंगवा लें ये रिपोर्ट। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में तेलंगाना पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की उस पर सवाल उठने लगे हैं। तेलंगाना पुलिस ने मार्च 2024 में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जिसमें सभी अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी गई है। क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना पुलिस की जांच में पाया गया कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे और उनकी मां ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। रोहित वेमुला की मां और भाई ने इस क्लोजर रिपोर्ट की दोबारा जांच करवाने की बात कही है। ఆ తర్వాత మాకు ఎంక్వైరీ జరగలేదు, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇచ్చారు కాబట్టి మీ సీఎం గారిని కలవటానికి వచ్చాము. సీఎం గారు మళ్ళీ ఫెయిర్ ఎంక్వైరీ చేయించుతాము, మేము సరిగ్గా చూసే ఏదో ఎంక్వైరీ న్యాయంగా జరిగేటట్టు చేస్తామమ్మా అని చెప్పారు మాకు. అది స్టూడెంట్స్ మీద కేసుల సంగతి కూడా మాట్లాడాను. అప్పుడు రోహిత్ తో పాటు ఆ ఎంక్వైరీ సస్పెండ్ చేసిన ఐదుగురు పిల్లల మీద కూడా కేసులు పెట్టారు. కేసులు పెట్టేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రాకుండా సొంక నెలేసి పొలం పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాడు పిహెచ్డీ చదివిన పిల్లడు. నేను అది మాట్లాడితే అది కూడా నువ్వు ఆలోచించేసి ఎట్లా ఉన్నాయి కేసులు ఏంటని వాటి గురించి కూడా ఆలోచిస్తామమ్మా అని ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం ఇచ్చారు. మేము ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాం, మాకు ఈ గవర్నమెంట్ లో న్యాయం జరుగుద్దని నమ్ముతున్నాం. See, after the filing of this closure report, that the DJP himself has gave a statement that they are going to reinvestigate it and they are going to file a petition in the High Court. And we have given a representation to the Chief Minister of Telangana and he promised us for a fair and transparent investigation to deliver a justice to Rohit Vemulaachu. Now we believe that the Congress government will reinvestigate it in a fair and transparent manner. And we are waiting for that. And Prem also promised that. पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट की जानकारी सामने आने के बाद हैदराबाद के कुछ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हर हमेशा एट्रोसिटीज के केसेस के साथ ये होता है कि सालों लग जाते हैं, जस्टिस नहीं आता है, या फिर जस्टिस आता भी है तो फेवर में नहीं आता है। पर इस पर्टिकुलर केस में जिसने पूरे नेशन को हिला दिया था, जिसके वजह से मेरे जैसे जो शेड्यूल का स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं, उस केस के साथ इन्होंने जो किया है, रोहित को फिर से मारा गया है, रोहित के मेरिट को फिर से क्वेश्चन किया गया है, रोहित के माँ के माँ को इसमें क्रिमिनलाइज किया गया है, रोहित को खुद को क्रिमिनलाइज किया गया है। ये काफी निंदनीय है और हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि वो ये रिपोर्ट वापस ले और वो फास्ट ट्रैक कर दे ये सब इंक्वायरी और रोहित को जस्टिस मिले। वहीं अब इस क्लोजर रिपोर्ट पर तेलंगाना पुलिस का बयान भी आ गया है। तेलंगाना पुलिस के डीजीपी रवि गुप्ता की तरफ से कहा गया है कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया में कई रिपोर्ट्स चल रही हैं। जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है वो 2018 में तैयार की गई थी और उसे जांच अधिकारी के सामने 21 मार्च 2024 को पेश किया गया था। जो जांच हुई है उस पर रोहित वेमुला की मां द्वारा सवाल उठाए गए हैं और इसलिए हम इस मामले में आगे जांच करेंगे। जांच आगे बढ़ाने को लेकर संबंधित न्यायालय में याचिका दाखिल करके अनुमति ली जाएगी। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये रिपोर्ट बीजेपी के निर्देश पर तैयार की गई है। When BRS government was in power, BRS party was in power in Telangana, and we all know that BRS party is hand in glove with BJP. Intentionally, BRS party has prepared this report as per the directions of BJP government, and all of a sudden they have submitted this report. A month ago, after month, this report comes out yesterday during this parliament elections. Soon after this coming out, BJP people starting national leadership started tweeting about it, and they tried to politicize the entire issue. But 100%, our chief minister met the family, Radhika Vemulaji and Raja Vemulaji, along with other students who were in that case, and he assured and promised that fair and transparency inquiry will be done. Already, our DGP has given a press statement yesterday evening that reinvestigation will be done, and the culprits of Rohit Vemula will be punished. And our chief minister, 100%, he told that personally he will monitor this entire issue till justice is given to that family. वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले के लिए कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या हमारे लिए एक झटका थी क्योंकि हम केंद्र सरकार में थे और हम सेंसिटिव हैं,
वो दलित थे या नहीं थे ये कोई इश्यू नहीं था। इशू ये था हमारे लिए कि एक देश का युवा आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो रहा है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई। ये केंद्र सरकार की तरह हम संवेदनशील थे उस वक्त भी और आज भी हैं, लेकिन तो सवाल उन लोगों पे उठना चाहिए कि इसी रेहूत वेमुला के चक्कर में 1.5 महीने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया था। कहा गया था कि दलित विरोधी हैं नरेंद्र मोदी, आदिवासी विरोधी हैं नरेंद्र मोदी, यही राहुल गांधी थे, ये फर्जी झूठे राहुल गांधी उस वक्त नाटक कर रहे थे। आज उन्हीं की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार है, गलती से ये रिपोर्ट फाइल हो गई है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं गई होगी, नहीं तो ये रिपोर्ट फाइल नहीं करने देते। अब हो सकता है कल रिव्यू के बहाने मंगवा लें ये रिपोर्ट, लेकिन आप सोचिए कि किसी भी एक युवा भविष्य की मौत पर ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं। ये तो आज प्रूफ हो गया जो उस वक्त हम लोग कह रहे थे, किसी को संवेदना नहीं थी कि रोहित ने क्यों आत्महत्या की, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी और कैसे केंद्र और राज्य सरकार काम करे कि ऐसे सिचुएशन हमारे युवाओं के बीच में नहीं आए। फॉल्स नैरेटिव, एक घिनौनी साजिश के तहत किसी की मौत पे नैरेटिव गढ़ना कांग्रेस का काम रहा है और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। कर्नाटका में इस ओबीसी का आरक्षण उठा के मुसलमान को दे देना, कम्युनिटीज़ को लड़वाना, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना, सिर्फ नफरत, ये मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत बेच रहे हैं। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन्होंने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली थी। रोहित यूनिवर्सिटी में अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य थे, वो कैंपस में दलित छात्रों के अधिकार और न्याय के लिए भी लड़ते रहे थे। रोहित और 4 अन्य दलित छात्रों को यूनिवर्सिटी हॉस्टल से बाहर कर दिया गया था, उन्हें मैस भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया था।